हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग जय प्रक्रम का पांचवा वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि आपके लिए रक्त टॉपिक जो है परिवहन के अंदर आता है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावे प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो बच्चों, इस रक्त टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लें, बहुत अच्छी तरह से इसको याद कर लें ताकि इससे जितने भी सवाल पूछने वाले हैं, जितने भी सवाल ये आने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन में, उसको आप अपने आप क्लियर कर लें। इस टॉपिक से जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो से अधिक उनका जवाब दे पाएंगे। तो पिछला वीडियो भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया था, आज की वीडियो में हम लोग रक्त कोशिका के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बतलाया था। तो वैसे बच्चे जो इस रक्त टॉपिक को या प्लाज्मा के बारे में उन्होंने स्टडी नहीं की है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और वहाँ से उस वीडियो को पूरी तरह वाच कर सकते हैं। तो पूरी तरह वाच करके आप इस टॉपिक को अपने आप मजबूत कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब आप दे सकें। तो बच्चों, रक्त कोशिका तीन प्रकार की होती है। पहली रक्त कोशिका, जिसे हम RBC के नाम से जानते हैं और इसे हिंदी में लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कोशिका को हम लोग रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो कोशिका है बच्चों, जिसे हम WBC या वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। तीसरी रक्त कोशिका को हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये तीनों कोशिकाएँ पूरे रक्त में 45% भाग बनाती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है, तो आइए हम लोग एक एक करके रक्त कोशिकाओं के बारे में स्टडी करें। तो चलिए, आज हम लोग स्टडी करते हैं लाल रक्त कोशिका। तो मैंने बोर्ड पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख रखा है, तो चलिए उस बोर्ड पे लिखे गए पॉइंट्स को समझते हैं और ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपके मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा हो। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मैंने तैयार किया है। तो देखते हैं। तो बच्चों, मैंने लिखा है रक्त कोशिकाएँ, और ये क्लास 10 का बायोलॉजी का सिलेबस है और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में जो प्रक्रिया है, जिसे हम परिवहन के नाम से जानते हैं, तो यह परिवहन का पांचवा भाग या पार्ट 5 बन रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रक्त कोशिका के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बतलाया बच्चों, रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। पहली कोशिका का नाम है लाल रक्त कोशिका, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। दूसरी जो रक्त कोशिका है, उसे हम श्वेत रक्त कोशिका या वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तीसरी रक्त कोशिका को हम लोग रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज लाल रक्त कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लाल रक्त कोशिका को बच्चों हम लोग शॉर्टकट में RBC कहते हैं, और RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स।
या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका दूसरा नाम है जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है इरिथ्रोसाइट्स भी है। तो आप याद रखोगे आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, यानी हम लोग लाल रक्त कोशिका को अंग्रेजी में इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। बच्चों आप जो भी आप पैथोलॉजी में जाकर अपना खून जांच कराते हो तो उस रिपोर्ट में भी आप आरबीसी भी देख लोगे लिखा हुआ मिलेगा या इरिथ्रोसाइट्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और आपको इंग्लिश सीखना भी बहुत ज़रूरी है तो हर एक कोशिका का नाम आप इंग्लिश में भी जान जाइए। तो बच्चों यह लाल रक्त कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी ऐसी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि लाल रक्त कोशिका जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है यह केंद्रक विहीन होता है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका निर्माण शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको तुरंत याद कर लेना है, आपको तुरंत जवाब दे देना है, और जवाब क्या होगा, अस्थि मज्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना होगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि बोन मैरो क्या है या अस्थि मज्जा क्या है। तो बच्चों जो हड्डियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं जिसे हम लॉन्ग बोन कहते हैं, लॉन्ग बोन का मतलब लंबी हड्डियां, यानी लंबी अस्थियां। तो हमारे शरीर में जो लंबी अस्थियां हैं, जैसे ह्यूमरस है हमारे बाँह का, बाँह की अस्थि, हमारे पैर में फीमर है, तो ऐसी लंबी अस्थियों में, उस लंबी अस्थियों के अंदर एक बीच में खोखला भाग पाया जाता है जिसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं, और उस बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा हमारे रक्त में जितनी भी कोशिकाएं हैं सारी की सारी कोशिकाएं वही बनती है, इसलिए अस्थि मज्जा या बोन मैरो आपको याद कर लेना होगा। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और आपके प्रतियोगिता परीक्षा में भी, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में, चाहे वो टेट हो चाहे सी टेट हो। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, ये एसएससी सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है कि अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिकाएं बनती हैं या रक्त की कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगला पॉइंट है बच्चों, यह कोशिका शरीर के प्लीहा में मृत होता है, यानी आरबीसी जो महत्वपूर्ण कोशिका है रक्त की, यह हमारे शरीर में प्लीहा में मृत होता है, यानी हर एक कोशिका का एक जीवन काल है हमारे शरीर के अंदर, और जो आरबीसी है या लाल रक्त कोशिका है बच्चों इसका भी जीवन काल फिक्स है। हमारे शरीर के अंदर 120 दिनों के लिए आरबीसी पाया जाता है, और जैसे ही 120 दिन कंप्लीट होता है यह आरबीसी मर जाता है, यानी यह आरबीसी मृत हो जाता है। तो यह दफन कहाँ होता है, तो यह दफन होता है स्प्लीन में, यानी यह स्प्लीन में जाकर टूटता है। दफन होने का मतलब बच्चों कि यह स्प्लीन या प्लीहा में, यह प्लीहा में या तिल्ली में जाकर दफन होता है। इसका मतलब यह आरबीसी, यह लाल रक्त कोशिका प्लीहा में जाकर टूटता है और टूटकर हीमोग्लोबिन को अलग कर देता है। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह किसे कहते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में वो कौन सा अंग है जिसे हम लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह कहते हैं या उसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसका जवाब होगा प्लीहा, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से
जानते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिका कहाँ टूटती है, कहाँ मृत होती है, कहाँ विघटित होती है, उसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है प्लीहा। यानी प्लीहा क्या है बच्चों? आरबीसी का कब्रगाह है, यानी इसे हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कोशिका है वह प्लीहा में जाकर मरता है, वह प्लीहा में जाकर मृत होता है, इसलिए प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रगाह कौन सा है, किस अंग को आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रगाह बोला जाता है, तो आपको प्लीहा या स्प्लीन याद रखना होगा। इसका जीवन काल या लाइफ स्पैन 120 दिनों का होता है बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा कि आरबीसी का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है, वो 120 दिनों का होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप हटा दीजिए, 120 दिन या 120 दिवस, 120 डेज आपको याद रखना है। इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ये आपको नोट्स दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अगला पॉइंट है बच्चों कि इसमें एक विशेष प्रकार का रंजक या वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो बच्चों, आरबीसी में या लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यह हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह भी सवाल अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि हमारे शरीर के अंदर रक्त लाल कैसे होता है, क्यों होता है, हमारे शरीर के अंदर लाल रंग होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर यही है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति ही उसे लाल कर देती है, क्योंकि इसमें लोहा नामक धातु पाया जाता है, और इस धातु की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लाल बना देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपका क्वेश्चन का जवाब है लोहा, यानी लौह धातु, जिसे हम अंग्रेजी में आयरन के नाम से जानते हैं, और लोहा धातु का संकेत केमिस्ट्री में Fe कहते हैं, Fe का मतलब फेरम। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है, और लोहा को हम लोग इंग्लिश में आयरन भी कहते हैं, लोहा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन कहते हैं, और इसको लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा लोहा, यानी आयरन। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, यानी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो आप लिख दोगे कि हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ढोना है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है, यानी यह ऑक्सीजन का कैरियर है। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखा है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या इस वीडियो को पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इन सभी पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया लाल रक्त कोशिका, जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स भी है, और इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यही है बच्चों कि मैं आपको फिर से बता दूं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण बच्चों कि आरबीसी प्लीहा में जाकर मरती हैं, और प्लीहा को हम लोग लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन
या एक विशेष प्रकार का वर्णक या रंजक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा रक्त लाल रंग का दिखलाई पड़ता है। फिर अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण कि हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाया जाता है, और इस लोहे के धातु की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि यह लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन से काफ़ी प्रीति रखता है, ऑक्सीजन के साथ काफ़ी एफिनिटी रखता है, तो इसलिए यह ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के चार अणु से बाइंड करता है, इसलिए यह ऑक्सीजन से ज़्यादा प्रीति या ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी रखता है, तो इसीलिए हम लोग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यह नहीं ढोता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ढोता है, लेकिन यह सबसे अधिक ऑक्सीजन को ही कैरी करता है, और जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे श्वेत रक्त कोशिका। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, कमेंट में लिखकर जवाब दीजिएगा। और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, आपको यह वीडियो पसंद आता है और इस चैनल में जितने भी वीडियोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।